दोस्तों हम लोगों का पूरा शरीर लगभग प्रोटीन से ही बना होता है और इसलिए इसकी प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए हमें प्रोटीन की लगातार ज़रूरत बनी रहती है। बट अगर हम इंडिया के खाने की बात करें तो हमारी जो इंडिया के जो खाना है, जो डाइट है, उसमें मेनली जो है प्रोटीन की ही कमी रहती है और कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा रहती है। तो ये प्रोटीन जब काफ़ी लंबे समय तक हमारी डाइट में, हमारे खाने में ज़्यादा लंबे समय तक काफ़ी कम मात्रा में रहता है, तो इस प्रोटीन की कमी से हमारी बॉडी में बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे साइन और सिम्टम्स होते हैं हमारे बॉडी में जो कि इंडिकेट करते हैं कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी से कौन कौन से साइन आते हैं। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन का इंटेक काफ़ी कम हो जाता है तब कुछ अलार्मिंग साइंस हमारे बॉडी में आने लगते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी हो रही है। तो वो प्रोटीन की कमी के कौन कौन से साइन हैं, तो इसी बारे में हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो प्रोटीन का जो पहला साइन मैंने लिया है वो है इंक्रीज हेयर फॉल और साथ ही स्किन एंड नेल प्रॉब्लम्स। दोस्तों जैसे ही हमारी प्रोटीन की कमी होती है हमारी बॉडी में तो हमारे जो हेयर फॉल के जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बढ़ जाती है, हेयर फॉल हमारा काफ़ी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ही हमारे जो बाल हैं वो काफ़ी थिन हो जाते हैं और वो फेडेड हो जाते हैं, उनका कलर काफ़ी फेड हो जाता है, वो डार्क कलर के हेयर्स नहीं रहते हैं क्योंकि हमारे बाल प्रोटीन के बने होते हैं, मेनली कैरेटिन प्रोटीन के। तो इसके रेगुलर ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन की लगातार ज़रूरत होती है। देन इसके बाद जो है हमारे नेल्स काफ़ी ब्रिटल हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी टूटने लगते हैं। इसके अलावा जो है हमारे नेल्स में बहुत तरह से डिसकलरेशन हो जाता है, उनमें बहुत सारे पैचेज आ जाते हैं जो कि येलो कलर के पैचेज हो सकते हैं, वाइट कलर के पैचेज हो सकते हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी है। और दोस्तों प्रोटीन की कमी से हमारी स्किन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, वो जो नॉर्मल जो उसका ग्लो होता है, जो उसका शाइन होता है स्किन का, वो नहीं रहता है और हमारी स्किन बहुत ही रफ़ और इसके बाद जो है क्रैक्ड या फिर रिंकल भी उसमें पड़ने लगते हैं क्योंकि हमारी स्किन को लगातार जो है नई स्किन जो है बनती रहती है और पुरानी स्किन निकलती रहती है और नई स्किन के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो प्रोटीन नहीं है तो नॉर्मल स्किन नहीं बन पाती है और ये सब होता है इस वजह से क्योंकि हमारी बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन पूरी इस्तेमाल कर लेती है और जो अननेसेसरी प्रोटीन वेस्ट हो रहा है जैसे कि हेयर्स नेल्स वगैरह में, वहाँ पे अपनी प्रोटीन जो है वहाँ की सप्लाई कट कर देती है। इस वजह से हमारा जो है ये जो बाहर की चीज़ें हैं उनमें प्रोटीन सप्लाई कम हो जाती है। देन इसके बाद प्रोटीन की कमी से एपेटाइट प्रॉब्लम होती है। उसमें होता ये है कि अगर आपको खाने के बीच में भी बहुत सारा खाने की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत सारे स्नैक्स की ज़रूरत पड़ रही है, आपने लंच किया फिर भी आपको थोड़ी देर बाद भूख लग आती है, तो ये प्रोटीन की कमी की निशानी हो सकती है। तो होता ये है इसमें क्योंकि हमारी बॉडी को जब प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है और बॉडी से जो डाइट से इंटेक कम होता है प्रोटीन का, तो वो ज़्यादा खाने के लिए हमें मोटिवेट करती है, हमें प्रमोट करती है कि आप ज़्यादा खाइए क्योंकि ऐसा होता है हमारा सेटाइटी जो होता है वो डाउन हो जाता है इसमें प्रोटीन की कमी की वजह से, जिससे कि हमारी ओवर ईटिंग होने लगती है और वेट गेन की प्रॉब्लम हो सकती है। देन इसके बाद जो प्रोटीन की कमी से प्रॉब्लम आती है वो है ट्रबल इन बिल्डिंग मसल मास। मतलब कि अगर आप जो है जिम या एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं अपना मसल्स को बढ़ाने के लिए, मसल्स का साइज बढ़ाने के लिए, और आप का मसल का साइज नहीं बढ़ रहा है, तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आप प्रोटीन कम ले रहे हों। बट मैं ये नहीं कह रहा है कि प्रोटीन ही एक बहुत बड़ा रीज़न है आपका मसल साइज़ बढ़ाने के लिए, इसके अलावा ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे हमारा मसल साइज़ बढ़ता है, जैसे कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो आपका सही है, या फिर जो है आप एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हैं, कम तो नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, या फिर कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, आपकी डाइट भी इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। बट इसके बाद मैं ये नहीं कह रहा है खाली प्रोटीन भी है, लेकिन प्रोटीन एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, अगर आप प्रोटीन कम लेंगे तो आपका मसल साइज कभी बढ़ नहीं सकता है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स और भी हैं जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रोटीन आप ले रहे हैं और फिर भी आपका साइज नहीं बढ़ रहा तो उसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आप प्रोटीन सही सलामत ले रहे हैं और फिर इसके बाद उसके साथ में आप कार्बोहाइड्रेट या फैट नहीं ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि हमारी बॉडी जो है उस कार्बोहाइड्रेट और फैट को जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसकी कमी की वजह से हमें प्रोटीन से एनर्जी लेना शुरू कर देती है हमारी बॉडी। मतलब प्रोटीन से ही हमारा जो है ब्रेकडाउन होकर वो एनर्जी में चला जाता है, एनर्जी मिलने लगती है उससे हमें, तो इस वजह से कभी कभी हमारा जो है प्रोटीन
जो हमें मसल्स मास में मिलनी चाहिए, जो हमारा मसल्स को साइज़ के बढ़ाने के लिए वो प्रोटीन यूज होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमें एनर्जी में यूज होने लगती है। देन इसके बाद अगर आप रेगुलर प्रोटीन नहीं लेते हैं तो अपना आपका मसल का साइज़ है वो भी डाउन हो सकता है या फिर उसकी ग्रोथ रुक सकती है। क्योंकि होता ये है कि मसल्स जो हमारे बहुत ही अच्छा रिजर्वायर होती हैं प्रोटीन का, हमारी बॉडी में कभी भी प्रोटीन की कमी होती है तो मसल्स अपना प्रोटीन उधार दे देती है अमीनो एसिड्स के फॉर्म में कि आप उधार ले लीजिए बॉडी को, आप बॉडी को फंक्शनिंग रखिए, बाद में मैं उसकी पूर्ति कर लूँगा। तो इस प्रकार से हमारी जो साइज़ कम हो जाती है। तो जैसे कि अगर आप लोगों से सुना होगा बहुत लोगों से कि आप जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका मसल साइज़ कम होता है, होता ये है कि एक्चुअली में कि जब आपका एक्सरसाइज नहीं छोड़ देंगे, आप जिम करना छोड़ देते हैं, तो उसमें कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो मसल्स हैं उनका साइज़ नहीं, वो लूज ज़रूर हो जाती है, उनका साइज़ नहीं कम होता है। साइज़ तभी कम होता है जब आपकी डाइट में प्रोटीन की काफ़ी मात्रा में कमी होने लगती है, आप प्रोटीन का इंटेक काफ़ी कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है आपका साइज़ कम हो सकता है। देन इसके बाद आता है रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ। इट मींस कि हमारी जो फिजिकल ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं कम्प्रोमाइज होती है, वो कम होती है, या फिर उनकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसके रिजल्ट्स बच्चों में तो बहुत ही ख़राब हैं। अगर प्रोटीन की कमी बच्चों में होती है, 3, 4, 5, 6 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनमें अगर प्रोटीन की कमी है तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब जो है उनकी स्थिति हो जाती है। आप अगर अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में जाएं, वहाँ पे आप जो मालनरिश बच्चे हैं उनको आप इजीली से पहचान सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जैसे हाथ पैर काफ़ी पतले से होते हैं और उनका पेट निकला हुआ हो सकता है और सीना अंदर की तरफ धंसा हुआ हो सकता है और पैरों में स्वेलिंग भी हो सकती है उनकी, और उनके जो हेयर्स हैं वो काफ़ी लाइट कलर के होंगे या फिर जो बहुत थिन होंगे या फिर जो है हेयर्स जो हैं उनके इतने घने नहीं होंगे। तो इसको हम एक डिजीज़ भी बोलते हैं जिसके हम लोग क्वाशियोर्कर के नाम से जानते हैं। ये मेनली क्वाशियोर्कर के ही लक्षण होते हैं। इसके अलावा जो है अगर प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी की कमी है, जिसे हम प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन भी बोलते हैं, उसमें मरास्मस डिजीज होती है बच्चों में, लगभग इसी तरह होती है बट उसमें कुछ डिफरेंस होता है। इसके अलावा जो है हमारे जो एडोलसेंट एज के बच्चे हैं, जैसे कि जो 7 से 18 ईयर्स ओल्ड हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो एज ऐसी होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ फेज होती है उसमें, और उसमें अगर प्रोटीन की कमी रहती है तो हमारी जो हाइट है वो काफ़ी जितनी बढ़नी चाहिए उस हाइट की बच्चों में नहीं बढ़ पाती, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा कम्प्रोमाइज होती है। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चाइना के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि चाइना अपने लोगों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि उनके लोगों की हाइट किसी तरह से बढ़े, और वो इसके लिए बहुत सारे कैंपेन वो चला रहा है, और वो कैंपेन में लोगों को मोटिवेट कर रहा है, उनको प्रमोट कर रहा है कि वो जो है एक्सरसाइज करें और हाई प्रोटीन डाइट लें। इससे क्या है कि उनकी जो है पॉपुलेशन जो है वो चाहते हैं कि उनकी हाइट जो है थोड़ी सी बढ़े, और चाइना को इसमें बहुत सारी सफलता भी मिलना शुरू हो गई है, क्योंकि उनकी जो एवरेज हाइट है उन्होंने अपनी काफ़ी हद तक इंक्रीज कर ली है। अभी एक सर्वे हुआ था तो उनमें भी पाया गया कि चाइना की जो एवरेज हाइट है वो कुछ दशकों में बढ़ी है, उनके सराउंडिंग में जो जापान या फिर जो है कोरिया वगैरह कंट्रीज हैं उनकी कंपेरिजन में चाइना ने अपनी साइज थोड़ी सी बढ़ाना शुरू कर दी है। देन इसके बाद जो प्रोटीन की कमी का साइन है वो है लो इम्यूनिटी, या फिर हम कहें फ्रिक्वेंट इलनेस। तो इसमें होता ये है कि हम अगर प्रोटीन कम ले रहे हैं, हमारा प्रोटीन इंटेक कम है, तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारी इम्यूनिटी जो डाउन हो जाती है, हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है, और हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। जैसे कि उनमें से कॉमन कोल्ड या फिर जो सर्दी जुकाम जिसे हम बोलते हैं वो बहुत ही जल्दी जल्दी होने लगता है, तो ये एक प्रोटीन की कमी का बहुत बड़ा साइन हो सकता है। इसके लिए एक जगह स्टडी हुई थी, साइंटिस्ट ने स्टडी की थी, उनमें ये था कि चूहों को दो ग्रुप में बांटा गया, और एक ग्रुप को जो है 2% प्रोटीन दी गई डाइट में उनकी, और एक को जो है 17% तक प्रोटीन दी गई डाइट में। तो जो 2% वाला जो ग्रुप था उनमें इन्फ्लुएंजा का अटैक बहुत ही जल्दी होता था, और जिसके बाद जो है जो 17-18% जो उनके प्रोटीन दी गई थी उनमें इन्फ्लुएंजा का अटैक बहुत ही स्लो होता था, बहुत धीमे होता था, या फिर कहें कि वो काफ़ी हद तक बच भी जाते थे। देन इसके बाद आता है डिफ़िकल्ट टू लूज वेट। अगर आप प्रोटीन कम ले रहे हैं तो आप कितनी भी कोशिश कर लें आपका वजन कम नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट और फैट आप अच्छी मात्रा में ले रहे हैं और प्रोटीन की मात्रा काफ़ी कम है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप वेट जो है अपना बढ़ा हुआ वेट कम कर सकें या अपने वेट को मैनेज कर सकें, क्योंकि जो प्रोटीन ही है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ही हाई बनाए रखता है, जिससे कि आपका वेट लॉस बहुत ही फास्ट होता है। और इसलिए अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और फैट को कम कीजिए, प्रोटीन का मात्रा को बढ़ाइए। देन इसके बाद आता है स्लगिश मेटाबॉलिज्म। अगर आपका जो मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो है, आपका बीएमआर काफ़ी स्लो है,
तो उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो सकती है। देर इसके बाद अगर आपका जो है एनर्जी लेवल काफ़ी बॉडी में लो रहता है, आप थके थके फील करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका प्रोटीन की कमी हो सकती है, आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए। देन इसके बाद प्रोटीन की कमी से ज्वाइंट्स या मसल पेन भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मसल्स है वो बहुत ही अच्छा रिजर्वायर होता है प्रोटीन का। जब बॉडी में प्रोटीन कम पहुंचती है तो मसल्स जो है हमारा प्रोटीन दे देती हैं बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, तो वो मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। अगर वो मसल्स ज्वाइंट्स की हुई तो ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। देन इसके बाद प्रोटीन कमी से एडिमा भी हो सकता है, मतलब कि वाटर रिटेंशन हो सकता है, और ये कंडीशन जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जो प्रोटीन है हमारा जो है वाटर को लीक आउट होने से बचाता है ब्लड वेसल से, और अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो वाटर जो है हमारा ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है और पैरों वगैरह में सूजन आ जाती है। देन इसके बाद आता है स्लो वुंड हीलिंग, मतलब कि अगर आपको कहीं चोट लग गई है, चाहे वो बोन्स में हो या मसल्स में, वहाँ पर अगर हीलिंग है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, आपकी चोट काफ़ी देर में ठीक होती है, तो ये भी एक प्रोटीन की कमी का लक्षण हो सकता है। देन इसके बाद प्रोटीन की कमी से आता है कि इट इंक्रीज द चांस ऑफ बोन फ्रैक्चर, आपकी हड्डियाँ जो हैं काफ़ी कमज़ोर हो सकती हैं, उनके टूटने के चांसेस बहुत ही बढ़ सकते हैं, बहुत ही छोटे से एक्सीडेंट में भी आपकी हड्डी टूट सकती है, क्योंकि ऐसा होता है कि प्रोटीन कमी से हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि जो हमारा कैल्शियम है उनको एब्जॉर्प्शन के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और प्रोटीन की कमी होती है तो प्रॉपर कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिससे कि हमारी हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। देन इसके बाद प्रोटीन की कमी से इंसोमनिया हो सकता है, जिसे हम कहते हैं कि नींद की कमी, तो इसमें क्या होता है कि आपको जो है नींद आने में प्रॉब्लम होगी, और अगर नींद आने में प्रॉब्लम है तो ये भी एक प्रोटीन की कमी हो सकती है, क्योंकि प्रोटीन की डाइजेशन के बाद उसमें ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड बनता है, वो अमीनो एसिड जो है हमें नींद लाने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। और इसके लिए आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि आप एक दिन हाई प्रोटीन डाइट लें, तो उस दिन आपको नींद अच्छी आएगी, और फिर दूसरे दिन आप हाई फैट और कार्बोहाइड्रेट डाइट लें, उस दिन आपको नींद उतनी अच्छी नहीं आएगी जितना कि प्रोटीन के डाइट लेने में आई थी। देन इसके बाद प्रोटीन हमारी ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो उस कंडीशन में एक ब्रेन की बहुत ही कॉमन डिजीज होती है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन फॉग, और इस ब्रेन फॉग के बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे कि पहला लॉस ऑफ मोटिवेशन, तो उसमें होता है क्या कि आप काम तो करना चाहते हैं बट आपकी काम करने की इच्छा नहीं होगी, आप चीज़ों को टालते रहेंगे बार बार कि बाद में करेंगे, वही मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में प्रोटीन की कमी हो सकती है। देन इसके बाद ब्रेन फॉग में होता क्या, पुअर मेमोरी, आपकी मेमोरी बहुत ही कम डाउन हो सकती है, आपको चीज़ों को रिकॉल करने में या चीज़ों को याद रखने में आप इतने सक्षम नहीं हो पाते हैं। देन इसके बाद ट्रबल इन लर्निंग न्यू थिंग्स, आप नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप नई चीज़ सीख नहीं सकते हैं। देन इसके बाद मूड स्विंग, अगर आपका मूड स्विंग करता है, कभी आप बहुत ही अपने आप को हैप्पी फील करते हैं, कभी जो है आप बहुत अपने आप को अनहैप्पी फील करते हैं, या फिर आपका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है आप, यानी इसका डिप्रेशन, अगर आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में हैं तो उस समय भी प्रोटीन आपकी काफ़ी मदद करेगी, आप प्रोटीन अगर डाइट में लेना शुरू कर देते हैं तो ये सब लक्षण है ब्रेन फॉग के। इसके अलावा जो है प्रोटीन जब हमारी बॉडी में प्रॉपर जाती रहती है तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे कि डोपामिन हो गए, सेरोटोनिन हो गए, या फिर जो एपिनेफ्रिन वगैरह, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से निकलते हैं, जो हमारी ब्रेन को फोकस करने में बहुत सारी मदद करते हैं। इस वजह से प्रोटीन हमारे लिए ब्रेन के लिए, ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। देन इसके बाद जो फीमेल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि इससे हमारा जो डाइट है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट और फैट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और या फिर हम ये कहें कि फास्ट फूड इतने ज़्यादा चलन में आ गया है कि उसमें प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो इससे हमारा जो हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं बॉडी के, इस प्रकार से उस हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और उसमें अगर आप डाइट सही कर दें, बैलेंस डाइट लें या फिर आप, तो उस कंडीशन में जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सही की जा सकती है। देन इसके बाद जो है अगर आपका वेट बढ़ा नहीं है, आप बहुत कोशिश करते हैं आपका वेट नहीं बढ़ता है, वो आप अंडर वेट हैं, तो उस कंडीशन में भी प्रोटीन की कमी हो सकती है। तो दोस्तों ये था सब प्रोटीन की कमी से हमारी बॉडी में क्या क्या होता है, क्या क्या साइंस होते हैं, जिससे हम ये पहचान पाएँ कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी हो रही है, और हम अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना शुरू करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि कौन कौन से प्रोटीन के सोर्स हैं जो बहुत ही बेस्ट हैं, और ज़्यादा वो महंगे नहीं है, बहुत ही चीप उसमें मिल जाते हैं आपको प्राइस में,
और इसके अलावा वो सबसे बेस्ट बात ये कि वो इजीली आपकी एरिया में अवेलेबल हो, इंडिया में अवेलेबल हो वो। तो आई एम श्योर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।